कार न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। धरियावद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन डेंगू के मरीज आ रहे हैं, जिसको लेकर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र बागड़िया ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामवासियों के द्वारा नीम हकीम एवं छोटे छोटे क्लिनिक पर उपचार कराते हैं, जिससे उनके शरीर एवं जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी मरीज अगर लंबे समय से बीमार है तो वह तुरंत प्रभाव से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरियावद पर आए तथा उपचार कराते हुए अपनी जांच करवाए, ताकि समय पर बीमारी ठीक हो सके। साथ ही अपने घरों के आसपास व बाहर साफ सफाई रखें, गड्ढों में पानी नहीं भरने दें। इन दिनों डेंगू के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से काफ़ी मरीज अस्पतालों पहुँचे हैं। डेंगू के बचाव हेतु सभी नागरिक अपने यहाँ कहीं भी जो जल एकत्र हो रहा है उसको न होने दें। जहाँ पे भी बारिश का या अन्य कोई पानी का स्रोत है वहाँ पे उसको तुरंत प्रभाव से MLO या अन्य जो दवाई है वो छिड़काव करें, और कूलर फ्रीज कूलर और जो अन्य जो सामान है जहाँ पे पानी एकत्र हो सकता है, गमले वगैरह, इनको नियमित रूप से सफाई करें तो इससे बचाव किया जा सकता है। प्लस मच्छरदानी का उपयोग करें, जहाँ मच्छर ज़्यादा है वहाँ पर अन्य जो मच्छरों से बचाव हेतु जो उपकरण उपलब्ध है उनका इस्तेमाल किया जाए, तो ये बचाव मच्छरों से काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को इस दिनों में बुखार चल आ रहा है वो तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल आए एवं अपनी संबंधित चिकित्सक को दिखाएं और जरूरत जांचें करवाएं, उससे जल्दी बीमारी का पता चल सकेगा और उसका उपचार भी किया जा सकेगा।